हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमारे आज के लेक्चर में हम दिल्ली सल्टनेट और मुगल एम्पायर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। हमने जो इनकी पॉलिटिकल सक्सेशन है, जो क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स है, वो डिस्कस कर लिया है। सब रूलर्स के बारे में हमने देख लिया है। अब दोनों एम्पायर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि इनकी पॉलिटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इकॉनमी कैसी थी, सोसाइटी के क्या हालचाल थे, तो वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी चीज़ आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, वो है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत हम व्हाट आर वी ट्राइंग टू अकम्प्लिश कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मिले जिसमें आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये प्रोग्राम है, ये स्केड्यूल है जो मुझे फॉलो करना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। एंड उस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में आपकी जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर कर सकें और जो भी लैग्स हैं, जहाँ पे लैग्स हैं, उनके लिए फीडबैक दे सकें, हैंड होल्डिंग कर सकें, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकें आपको कि आपकी यहाँ पर कमी आ रही हैं, इस तरीके से इन कमियों को एड्रेस किया जा सकता है। तो इन द कमिंग फ्यू डेज वील बी कमिंग आउट विद मोर डिटेल्स, आपको और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बट आपको पता है कि हमारी टीम छोटी है, तो हमने इस प्रोग्राम को ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स रखा है। एंड उसके लिए हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी एक्सपेक्ट करेंगे। इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड कोर्स, ओपन फॉर ऑल नहीं है, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट वी कैन हैंडल, राइट। बट इसमें आपको जो भी कोर्स वीडियोस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। उसके बाद कोर्स वीडियोस के बाद आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, एंड प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। पैरेलली मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलेंगी। ये आपको प्री के साथ साथ ही कुछ कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है और आपने मेंस के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, देन वहाँ पे जाके आपको यू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज कि उतने कम टाइम में उतना आप लेवल नहीं देन रेज कर पाते अपना कि मेंस के लिए एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हों। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेन्स टेस्ट सीरीज, राइट, एस ए की टेस्ट सीरीज, देन मेन्स आंसर राइटिंग, और इस आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, एज वेल एज अ डेडिकेटेड सी सैट बैच, जहां पे अगर आप सी सैट में इफ यू आर फेसिंग इश्यूज, आपको लगता है कि आपका सी सैट वीक है, तो इस चीज को भी एड्रेस किया जाएगा। तो होलसेल एक प्रोग्राम होगा जहां पे हम कोशिश करेंगे कि आप एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हो, एंड देर बी इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोवाइडेड टू ईच ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड। तो अभी के लिए इतना ही, एंड आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अभी तक हमने देखा है 1206 CE ऑनवर्ड्स दिल्ली सल्तनत, 1526 ऑनवर्ड्स हमने देखा मुगल एम्पायर की नींव रखी गई, 1526 से हम 1707 तक स्टडी कर चुके हैं। 1707 में वी सॉ डेथ ऑफ औरंगजेब। तो ये जो फाइव हंड्रेड ईयर्स का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। आपको याद होगा हमने एंशंट के फर्स्ट लेक्चर में ये कहा था, फर्स्ट वी लुक एट द टाइम पीरियड at which it exists, then we look at the geography, and then we look at certain characteristics. तो time period हम देख चुके हैं, political developments देख चुके हैं इस time period की, geography देख चुके हैं कि किस किस region पर किस किस ruler का control रहा. Now we'll look at certain characteristics of this period in terms of administration, economy, agriculture, crafts, etc. जो प्रेजेंट थी उस टाइम पीरियड में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टोरी शुरू करते हैं। सो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं, हम दिल्ली सल्तनत पीरियड देख रहे हैं, राइट। तो सुल्तान,
ड्यूरिंग सल्टनेट पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस वॉज हेडेड बाय सुल्तान हु वॉज हेल्प बाय वेरियस नोबल्स. सो सुल्तान असिस्टेड बाय नोबल्स. पोजिशन ऑफ सुल्तान वॉज ऑलवेज अंडर प्रेशर फ्रॉम द पावरफुल ग्रुप ऑफ नोबिलिटी एंड उलेमा. सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, पर्टिकुलरली द पावरफुल सुल्तान्स, अडॉप्टेड वेरियस स्ट्रैटेजीज टू कीप दिस ग्रुप्स अंडर कंट्रोल. तो हमने देखा कि नोबिलिटी भी चैलेंज करती है, जो किसी भी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर आ रहा है जनरली वो नोबिलिटी की तरफ लीनियंट रहता है, बट सब्सिक्वेंट पावरफुल रूलर्स ट्राई टू असर्ट देमसेल्व्स एंड नोबिलिटी को आपको अपने पैरों के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, रादर कि उनकी पावर चेक में रखने की कोशिश करते हैं. सो उलेमा, अगेन उलेमाज आर ऑल्सो पावरफुल. इफ द सुल्तान हिमसेल्फ इज पावरफुल लाइक अलाउद्दीन खिलजी, देन ही कैन आस्क द उलेमा नॉट टू इंटरफेयर इन द स्टेट. बट ये कॉन्स्टेंट एक टग ऑफ वॉर है, एक टसल है जो सुल्तान और नोबिलिटी और उलेमा के बीच में चल रहा है. हमने देखा बलबन अग्रेसिव एंड पावरफुल केप्ट द नोबल्स फर्मली अंडर हिज कंट्रोल. कुछ इन्होंने दो तीन चीज़ें स्टार्ट करी थी जो कि मैंने आपको बताया था कि सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस होल्ड करती हैं, बाय विच द सुल्तान इज़ जस्ट ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज कि नोबिलिटी इन्फीरियर है, सुल्तान सुपीरियर है. तो वो दो तीन चीज़ें क्या थी, आई होप यू रिमेंबर, नहीं तो पिछले वीडियो जाके देखो, रिवाइज करो. बलबन केप्ट द नोबल्स फर्मली अंडर हिज कंट्रोल, दस द पर्सनैलिटी ऑफ द सुल्तान प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल. तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, हमने देखा कि ये पावरफुल सुल्तान्स थे, तो दीज वर एबल टू चेक द पावर्स ऑफ नोबिलिटी. नोबल्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ स्टेट, इंजॉयड हाई सोशल स्टेटस. इनिशियल स्टेजेस में देवर कमांडर्स हु केम विद द विक्टोरियस आर्मी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर डिसेंडेंट्स फॉर्म्ड द मेन स्ट्रेंथ एंड सम इंडियन ग्रुप्स ऑल्सो इमर्ज्ड. तो नोबिलिटी आ कहाँ से रही थी, कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट सुल्तान, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी के साथ कुछ चीफ्स होंगे जो आर्मी के कुछ कुछ सेगमेंट्स कमांड कर रहे होंगे. दे दोज कमांडर्स बिकेम नोबिलिटी वेन दे वन अ वॉर, एंड आगे उनके डिसेंडेंसी नोबिलिटी रहे. नोबिलिटी वॉज नॉट अ होमोजिनस क्लास, there were different groups within the nobility and often there were inter-group clashes and rivalries. For example, aapke paas Turkish nobility hai, Afghan nobility hai, Tajik nobility hai, to puri nobility ke beech mein aise groups ban jate the aur aapas mein inme tug of war chalta rehta tha ki kaun sa group of nobility mein bhi kaun sa group zyada powerful ho sakta hai. With the expansion of Delhi Sultanate, there were also attempts on the part of different sections of society to join the nobility. तो जब Delhi Sultanate expand कर गई तो India में जो powerful sections थे वो nobility का part बनना चाहते थे. Initially it was the preserve of the Turks only. तो बाहर से भी बहुत सारे लोग आए who gradually were absorbed as part of the nobility. Although when Delhi Sultanate was established, the nobility was the preserve of the Turks only. During Khalji and Tughlaq rule, the doors of nobility were opened to people of diverse backgrounds. Low caste people, both Hindus and Muslims, joined the nobility and could rise to high positions, especially under Muhammad bin Tughlaq. So there are communities in India. अगर आप सोशियोलॉजी में जाके, एंथ्रोपोलॉजी में जाके उनकी कास्ट आइडेंटिटीज़ या राइज टू अ डोमिनेंट कास्ट पोजीशन स्टडी करें, सो व्हेन द मुस्लिम रूलर्स एस्टैब्लिश देयर रूल, तो इनिशियली ब्राह्मिन्स डिड नॉट रियली असिस्ट देम इन एस्टैब्लिशिंग देयर रूल. तो बाकी और कम्युनिटीज़ जो थी, दे वर्कड एज स्क्राइब्स या अकाउंटेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, and because they continue to do so for periods of time, for centuries, their community rose in prominence, rose in importance. This is how a lot of communities gained upward social mobility. Popular also, or one of these such community was Kayasthas of Bihar.
who rose to prominence as scribes under the Muslim rule. During the Lodi period, the Afghan concept of equality became important when the Sultan was considered first among equals. Thus, the nobles enjoyed equal status with Sultan. Ek reason ye bhi tha ki Ibrahim Lodi versus Daulat Khan humne dekha jo inke aapas mein ladai thi, kyunki Ibrahim Lodi wanted to assert himself ki king superior hai, aapke barabar nahi hai. So Sultan, nobility, then ulema, religious intellectual group. People of this group managed religious matters and interpreted religious regulations. They were also in charge of judicial matters and worked as qazis. They used to pressurize the Sultan to run the Sultanate as per the religious laws of Islam. तो जैसे हमने देखा था पहले भी अलाउद्दीन खिलजी, powerful ruler, said to ulema कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, कि state craft मेरा फोटे है और state matters में आप interfere नहीं करो, आप religion तक ही अपनी समझ रखो. Central administration के features, wizarat. The most important office was the Diwan-e-Wizarat, headed by the Wazir. It was a key position in the royal court and his role was of a general supervisor of all departments. He was the chief advisor to the Sultan. Main functions were to look after financial organization of the state, give advice, lead military expeditions at the request behest of Sultan. Wazir ke under kaun kaun se offices the? Mustafa-e-Mamlik, the auditor general. Mushrif-e-Mamlik, the accountant general. Majumdar, who was the keeper of loans and balances from the treasury. Aur offices jo unke supervision ke under laye gaye, Diwan-e-Waquf, to supervise expenditure. Diwane Mustakhraj, to look into arrears of revenue payments. Diwane Amir Kohi, to bring uncultivated land into cultivation through state support. तो ये जो names हैं ये आपको याद करने हैं क्योंकि UPSC regularly इनको पूछता है prelims में, तो factual information आपकी up to the mark होनी चाहिए. कुछ और departments, Diwane Arz, set up to look after military organization of the empire, headed by Ariz-e-Mamlik, responsible for the administration of military affairs. Alauddin Khalji, now this is very important, introduced the system of Daag and Hulia, ki horses ki branding start kar di thi, ki ye army ka ya state ke liye ladne wala ghoda hai, and cash payment to the soldiers in order to strengthen his control of the army. तो ये एक medieval, आप कह लो medieval आधार कार्ड था अपनी army के लिए. Daag and Hulia, जहाँ पे they used to brand the horses and describe the people associated with the army. तो ये था Diwan-e-Arz military के साथ. Then Diwan-e-Insha, looked after state correspondence, headed by Dabir-e-Khas, who was also sort of a private secretary of the Sultan and was responsible for writing the firmans. Then Barid-e-Mumlik, head of the state news gathering and dealt with intelligence. Ye humne padha tha, agar aapko market reforms khilji ke yaad ho, Barid ke bare mein humne tab padha tha. He had to keep information of all that was happening in the Sultanate. Diwan-e-Rasalat, this department dealt with the administration of justice, headed by Sadr-us-Sadr, who was also the Qazi-e-Mumlik. Sultan was the highest court of appeal in both civil and criminal matters. Next to him was the Qazi-e-Mumlik. So, president and then chief justice. Royal workshop or karkhanas played an important role. The needs of the royal household were met through karkhanas. Karkhanas were of two types. One, manufactories, jo manufacture karte the. Second were the storehouse.
Under Firoz Shah Tughlaq, there were as many as 36 karkhanas. Each karkhana was supervised by a noble who had the rank of a malik or a khan. Provincial administration. So, abhi tak humne dekhi central administration. Provinces were placed under charge of the governors. Humne dekha ki Sher Shah was also one of the governors. Humne dekha Daulat Khan was also one of the governors. तो दिल्ली सल्तनत के टाइम से ये प्रथा चलती आई है. Who were responsible for the overall administration of the area. This involved ensuring the collection of revenue, maintaining law and order, keeping rebellious elements under control. During the 14th century, the provinces were partitioned into shiks. Provinces, then you'll have shiks. Or Shikdars were administered by Shiks were administered by Shikdars. Subsequently, Shiks got transformed into Sarkar during the Afghan period. ये हम देखेंगे कि जो अब Shiks हैं, they will become Sarkars. Faujdar was another officer along with Shikdar at the provincial level. Their duties are not clearly articulated and often the role of the two seem to overlap. So, Shiks ya Sarkars and officers, Shikdar ya Faujdar. Dono hi officer the. Thodi si clarity hame Mughal period mein mil jati hai about their roles. Kyunki Shiks to waise hi nahi hai, to Shikdar khatam ho jayenge, to Faujdar ka role thoda clear ho jayega. Provincial administration mein ek aur feature, Ikta system. इकता सिस्टम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यू शुड बी फेमिलियर. इंस्टीट्यूशन ऑफ इकता हैड बीन इन फोर्स इन अर्ली इस्लामिक वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज टू द स्टेट. तो आप स्टेट को सर्विसेज देते थे तो स्टेट आपको इकताज ऑफ लैंड दे देता था. इन द कैलिफेट एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज यूज टू पे सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स. आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत, इकता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुल्तान्स. शुरुआत में आर्मी कमांडर्स एंड नोबल्स वर गिवन टेरिटरीज टू एडमिनिस्टर एंड कलेक्ट रेवेन्यू. द टेरिटरीज दस असाइंड वर कॉल्ड इकता एंड देयर होल्डर्स एज इकतादार और मुक्ति. दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट टू ऑफिसर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मी बाय देम. तो इकता से रेवेन्यू कलेक्ट करके वो आर्मी मेंटेन करते थे. Through the years, it became the main instrument of administering the Sultanate. तो initially इकता दिया था, वहाँ से revenue collect करके एक तरीके से अपनी payment भी रख लेते थे और army भी maintain करते थे. But gradually administration का ही ये तरीका बन गया, in the sense कि जो इकतादार होता था या जो मुक्ति होता था उसको law and order संभालने की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि ना ही सिर्फ आप revenue collect करोगे, आप यहाँ पे law and order type या administration भी आप ही administer करोगे. In due course of time, Mukta was given complete charge of administration of Ikta, including maintaining army. Mukta was to help the Sultan with his army, expected to maintain army and meet his own expenses with the revenue collected. Local administration के characteristics, अभी तक हमने central and provincial देख लिया है. Local level पे village was the smallest unit. Functioning and administration of village remained more or less the same as it had existed in pre-Turkish times. तो Delhi Sultanate से पहले और हर्षा के बाद जो 400-500 साल का ये period है, 600 साल का period है, इसमें जैसी administration थी वैसी ही रही इस टाइम पे भी. विलेज फंक्शनरीज वर खुत, मुकदम एंड पटवारी. दे वर्कड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द मुक्ति इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. नंबर ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड द परगना. द इंपॉर्टेंट परगना ऑफिशियल्स वर चौधरी, अमील एंड करकुन. तो यू हैव विलेज, देन यू हैव परगना, उसके बाद आपने देखा था शिक्स एंड प्रोविंसेस.
market reforms of Alauddin Khalji. So we have already seen them, but I'll quickly take you through them again. Alauddin Khalji instituted market control because after the Mongol siege of Delhi, he wanted to recruit a large army. तो लार्ज आर्मी रिक्रूट करनी है, लार्ज आर्मी को देने के लिए पैसा होना चाहिए. ऑल हिज ट्रेजर्स वुड हैव सून एग्जॉस्टेड इफ ही वाज टू स्पेंड ह्यूज रिसोर्सेज ऑन आर्मी, बट विद लो प्राइसेस द सुल्तान कुड रिक्रूट अ लार्ज आर्मी विद लो एक्सपेंसेस. तो लो एक्सपेंस कैसे रखें? ही फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज फ्रॉम ग्रेन टू क्लॉथ स्लेव्स कैटल्स. सेट अप थ्री मार्केट्स एट दिल्ली, हमने देखा था, फर्स्ट फॉर ग्रेन्स, सेकेंड फॉर क्लॉथ, थर्ड फॉर हॉर्सेज स्लेव्स एंड कैटल. तो सेकेंड में अलॉन्ग विद क्लॉथ ही यूज्ड टू सेल एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज शुगर, घी, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा. फॉर कंट्रोलिंग द फूड प्राइसेज he tried not only to control the supply of food grains from the villages, its transportation to the city by the grain merchants, but also distribution to the citizens. So very very high degree of state control, so that ki jis tarike se wo apni administration run karna chahte hain waise run kari ja sake. An officer Shehna was in charge of the market to see that no one violates the royal orders. Barids, humne dekha, intelligence officers, and Munihan, who were the secret spies, were appointed to ensure ki jo bhi Alauddin ne farman jari kiya hai, jo market reforms hai, wo implement ho rahe hain. He also tried to ensure that there were sufficient stocks of food grains and ki hoarding nahi ho, ताकि आर्टिफिशियल स्कैसिटी ना क्रिएट करी जा सके जिसकी वजह से प्राइसेस राइज हो जाए. जो क्लॉथ्स, ड्राई फ्रूट्स, घी की मार्केट थी वॉज कॉल्ड सराय ए अदल. ऑल द क्लॉथ्स ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री वर टू बी स्टोर्ड एंड सोल्ड ओनली इन दिस मार्केट एट गवर्नमेंट रेट्स. वेरी हाई डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल. The third market dealt with horses, cattle and slaves. The supply of horses of good quality at fair prices was important for the army. Alauddin did away with the middleman or dalal, who had become very powerful. It was decided that the government fixed the quality and prices of the horses. So Alauddin Khalji's market reforms to be able to sustain a large army. राइट, नेक्स्ट, अब हम दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. तो कुछ कंटिन्यूटी रही, कुछ चेंजेस आएंगी. तो देखते हैं क्या क्या था. मुगल्स रिटेन्ड मेनी फीचर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड शेरशाह. सो एसेंशियली बाबर केम, राइट, बाबर के बाद हुमायूं केम. हुमायूं वॉज आउस्टेड बाय शेरशाह. तो शेरशाह 1540 to 1545 रहे, 5 साल रहे, जिसमें ही कॉन्कर्ड लार्ज टेरिटरीज, हमने देखा था, प्लस ही गेव अ वेरी इलैबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एंड व्हेन शेरशाह के बाद अकबर विल कम टू द थ्रोन, तो सॉरी हुमायूं विल कम टू द थ्रोन, हुमायूं विल डाई इन 1 ईयर, देन अकबर विल कम एंड विल ऑलमोस्ट स्टे फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स. तो अकबर, व्हाट ही विल डू, ही विल गिव अस द रियल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ही रिटेन्ड अ लॉट ऑफ द फीचर्स जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आ गए थे, प्लस ही विल रिटेन अ लॉट ऑफ फीचर्स जो शेरशाह ने इंट्रोड्यूस किए थे. तो नींव रख दी गई थी, उसके ऊपर अकबर ने कुछ चेंजेस किए और बाकी उसको फाउंडेशन को कंटिन्यू रखा. अंडर शेरशाह the administrative units of Pargana, Sarkar and a group of Sarkars were placed under specific officers. So Pargana was a group of villages, Sarkar was a group of Pargana, so village, Pargana, Sarkar and groups of Sarkars which were subas or provinces.
देवर प्लेस्ड अंडर स्पेसिफिक ऑफिसर्स. द मुगल्स फॉर्मलाइज्ड अ न्यू टेरिटोरियल यूनिट कॉल्ड द सूबा. इंस्टीट्यूशंस ऑफ जागीर एंड मनसब सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल्स. तो दो चीज़ें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जागीरदारी सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम, इसके बारे में हम आगे देखेंगे. Thus, change and continuity both marked the Mughal administrative structure, which brought a high degree of centralization in the system. Central administration ke kuch features. Emperor. Emperor was the supreme head of the administration and controlled all military and judicial powers. Wakil and Wazir. Institution of Wizarat or Vikalat, since both were used interchangeably, was present in the present in some form during Delhi Sultanate. Position of Wazir had lost its preeminent position during the period of Afghan rulers in Delhi Sultanate. The position of Wazir was revived under Mughals. अफगान रूलर्स के अंडर वजीर की इंपॉर्टेंस कम क्यों हो गई थी, सेवरल टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप यू कैन नाउ टेल. दीवाने कुल वॉज द चीफ दीवान, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस. अकबर हैड स्ट्रेंथन्ड द ऑफिस ऑफ दीवान बाय इंट्रस्टिंग द रेवेन्यू पावर्स टू द दीवान. इंटायर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्पायर वॉज अंडर हिज चार्ज. दीवाने कुल. मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. सदर उसुदर वॉज द हेड ऑफ एक्लेसियस्टिकल डिपार्टमेंट. चीफ ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द लॉज ऑफ द शरीयत. तो रिलीजन अपहोल्ड करने का जो दारोमदार है किसके ऊपर है, सदर उसुदर. Office of Sadr used to distribute allowances and stipends to the eligible persons and religious institutions. Mir Saman was the officer in charge of the royal karkhanas. Provincial administration ke features abhi tak humne dekhi 12. Mughal Empire was divided into 12 provinces or subas. Jab expand kiya to number of provinces increased to 20. Each suba was placed under a subedar or a provincial governor who was directly appointed by the emperor. The subedar was head of the province and responsible for maintenance of general law and order. He was to encourage agriculture, trade and commerce and take steps to enhance the revenue of the state. He was also to suppress rebellions and provide army for expeditions. Head of revenue department in the Suba was the Diwan. The Bakshi in the province performed the same functions as were performed by Mir Bakshi at the center. So it is somewhat like Prime Minister, Chief Minister, President, Governor. So similarities aap dekh rahe ho. Diwan-e-Kul, Diwan, Bakshi, Mir Bakshi. Representative of Central Sadr, जो कि सदर उस सुदर जिसको कहते हैं प्रोविंस में, उसको सदर कहते थे. तो अगेन कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स. द प्रोविंसेस और सूबाज वर डिवाइडेड इनटू सरकार्स. तो यहाँ पे शिक्स नहीं है, सरकार्स हैं. सरकार्स वर डिवाइडेड इनटू परगनाज. Village was the smallest unit of administration. At the level of Sarkar, there were two important functionaries, the Faujdar and Amalguzar. So, Faujdar and Amalguzar. The Faujdar was appointed by imperial order. Sometimes within a Sarkar, a number of Faujdars existed. At times their jurisdictions spread over two sarkars, even if these belonged to two different subas. Faujdari was an administrative division. Faujdari was an
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि सरकार वॉज अ टेरिटोरियल एंड रेवेन्यू डिवीजन. ये टेरिटरी है या रेवेन्यू डिवीजन है, और फौजदारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है. तो अगर फौजदार किसी एक एरिया का फौजदार है, तो हो सकता है कि वो अलग अलग सरकार्स का पार्ट हो, सरकार वन सरकार टू, और हो सकता है कि सरकार प्रोविंस वन प्रोविंस टू का पार्ट हो, राइट. तो फौजदारी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वेर एज योर सरकार्स आर टेरिटोरियल एंड रेवेन्यू डिविजन्स, राइट. प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फौजदार वॉज टू सेफ गार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द एरियाज अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन. तो फौजदार का काम लाइफ एंड प्रॉपर्टी सिक्योर करना. अमल गुजार और अमील वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर. हिज ड्यूटी वॉज टू असेस एंड सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन. ही वॉज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इंड्यूस द पेजेंट्स टू पे रेवेन्यू विलिंगली. At the level of Pargana, the Shikdar was the executive officer. He assisted the Amils in the task of revenue collection. To Shikdar assisting the Amil in the revenue collection. Amils looked after the revenue collection at the Pargana level. The Kanungo. Kept all the records of land in the Pargana. The Kotwals were appointed mainly in towns by the imperial government and were in charge of law and order. आपको ये सब I hope at least you are familiar with all these terms, because even today you'll have people with surnames who are Kanungo. फौज नॉट फौजदार पर से माजुमदार यूल कम अक्रॉस, कोटवाल वाला यूल कम अक्रॉस, एंड सो वो उस टाइम से जो लोग इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनके पास या जो देखते थे, सो पर्सन उज कोटवाल केम टू बी कॉल्ड कोटवाल वाला, सो समथिंग ऑफ द सॉर्ट. सो दिस इज हाउ इवन मॉडर्न टाइम्स दीज थिंग्स एग्जिस्ट. ही वॉज टू मेंटेन अ रजिस्टर. हु? कोटवाल वॉज टू maintain a register for keeping records of people coming and going out of the towns. The Mukaddam was the village headman. ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सब पास पेपर्स अगर आप यूपीएससी के उठा के देखोगे, दीज हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द पेपर्स, सो यू नीड टू नो. पटवारी लुकड आफ्टर द विलेज ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. विलेज हेडमैन जो कि मुकद्दम एंड पटवारी लुकड आफ्टर विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स. सर्विसेज ऑफ द जमींदार्स वर यूटिलाइज फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया एज वेल एज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. तो ये थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. तो पहला मनसबदारी क्या था? यूनिक सिस्टम डिवाइज्ड बाय द मुगल्स, evolved by Akbar with certain changes. It was the basis of civil and military administration under the Mughals. The word Mansab means a place or a position. Mansab kya hota tha? It was awarded to an individual and it fixed both his status and official hierarchy and his salary. It fixed the number of armed retainers the holders of mansab was to maintain. तो आपको एक rank दे दिया जाता था mansab का, जिससे पता चलता था कि आपको कितनी army maintain करनी है, आपका official hierarchy में rank क्या है, और उसी के हिसाब से आपकी salary कितनी है, right. System was formulated to streamline rank of the nobles, fix their salary and specify the number of cavalry to be maintained by them. The rank of Mansabdar came to be denoted by two numbers, Zat and Sawar. Zat denoted personal rank
of an official and Sawar indicated the size of contingents maintained by the Mansabdars. So, Zat and Sawar, personal rank aur kitni aapne cavalry maintain karni hai, army maintain karni hai king ke liye. So, this was the Mansabdari system. Jagir system hai, Jagirdari. The system of assignment of revenue of a particular territory to the nobles for their services continued under Mughals also. Under the Mughals, the areas assigned were generally called Jagir and its holders Jagirdar. तो अगर आप कोई नोबल हो, आपकी सर्विसेज मुझे अच्छी लगी और आपको मैं कोई लैंड दे रहा हूँ, सो दिस वॉज अ जगीर एंड द होल्डर ऑफ जगीर केम टू बी कॉल्ड जगीरदार एंड दिस इज द जगीरदारी सिस्टम. जगीरदारी सिस्टम वॉज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मनसबदारी सिस्टम. ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड ऑल द टेरिटरी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू, खलीसा और जगीर. तो खलीसा का रेवेन्यू फ्रॉम जाता था इम्पीरियल ट्रेजरी में, रेवेन्यू फ्रॉम खलीसा वेंट टू इम्पीरियल ट्रेजरी एंड दैट फ्रॉम जगीर वॉज असाइंड टू जगीरदार इन लियू ऑफ देयर कैश सैलरी. की कैश सैलरी की जगह पे आपको जगीरदारी असाइन की जाती है. सैलरी एंटाइटलमेंट्स ऑफ मनसबदार्स वर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जात एंड सवार रैंक. सैलरी वॉज पेड आइदर इन कैश, हमने देखा था अभी पिछले इसमें कि सैलरी डिसाइड कर दी गई. सो सैलरी वॉज पेड आइदर इन कैश और उस केस में कहते थे नकदी, और थ्रू द असाइनमेंट ऑफ अ जगीरदार ऑफ अ जगीर एंड जगीर वॉज द प्रेफरेबल मोड. नकदी और जगीर. देर वर वेरियस टाइप्स ऑफ जगीर्स. तनख्वाह जगीर गिवन इन लियू ऑफ सैलरीज, मशरूत जगीर गिवन ऑन सर्टन कंडीशंस, वतन जगीर्स असाइंड टू जमींदार और राजा इन देयर लोकल डोमिनियंस. इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टू सच एरियाज विच वर हिथरथो नॉट अंडर कल्टिवेशन. तो एग्रीकल्चर के अंडर जो एरिया है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है. क्रॉप पैटर्न, शुगरकेन, कॉटन, इंडिगो, ओपियम, सिल्क वर प्रोमिनेंट कैश क्रॉप्स. वाइन फ्रॉम शुगरकेन बिकेम वाइड स्प्रेड बाय 14th सेंचुरी. सेरीकल्चर, रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स ऑन मलबरी प्लांट, practiced on a modest scale till Sultanate period but became widespread during the Mughal period. Bengal emerged as the main region. Bihar and Malwa produced finest quality of opium. Tobacco, introduced in India by the Portuguese during 16th century, became widespread subsequently. 17th century onwards, cultivation of coffee began on a large scale. Portuguese introduced pineapple, papaya, cashew nut, cherry was brought from Kabul, lychee and guava were also introduced, wide range of vegetables produced by medieval Indian peasants, potato, chili and tomato were introduced during the late medieval period. Irrigation, Persian wheel, iske upar already UPSC question puch chuki hai 2016 ke prelims mein. Persian wheel, which began to be used in India from the Sultanate period, was the most advanced water lifting device of this period. इसमें क्या होता था? A garland of pots was attached to the rim of a wheel. A gear mechanism was attached to it. And animal power के साथ this wheel was made to rotate, जो कि irrigation के लिए use होता था. Delhi Sultans in particular promoted canal irrigation. Ghiyasuddin Tughlaq built a number of canals for this purpose. Firoz Shah Tughlaq laid the largest number of canals. The tradition of Delhi Sultanate to construct canals was continued by the Mughal emperors as well.
तो लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू असेसमेंट कलेक्शन पूरा डिटेल्ड है, आई हैव ट्राई टू पुट इन एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई थॉट यू कुड रीड, इससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता, बट इसमें भी देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लैंड रेवेन्यू। Elaborate mechanism of land revenue administration gradually developed due to efforts of rulers like Alauddin Khalji, Sher Shah Suri and Akbar. Again, efficient administrators who tried to maximize revenue. Policies adopted, क्या क्या थी? Actual measurement of cultivable land, classification of this land on basis of fertility, fixation of rate of land revenue, establishment of elaborate mechanism for collection, working out modalities for assessment and collection of land revenue in cash. तो पहले तो आप, ये आपके पास एरिया है, एरिया को मेजर करो, फिर उसको क्लासिफाई करो कि कौन सा एरिया कितना प्रोडक्टिव है, उस हिसाब से आप रेट्स डिसाइड करो। थर्ड इज रेट्स डिसाइड करना। फोर्थ इज एक मैकेनिज्म सेटअप करना जो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, और मोडालिटीज़ फॉर्मुलेट करो कि कैश में आप वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सको। सो डिटेल्ड पॉलिसीज, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो सबसे पहला था क्रॉप शेयरिंग का, जो सबसे बेसिक मेथड था, बताए। द स्टेट फिक्स्ड अ सर्टन रेशियो ऑफ प्रोड्यूस एज स्टेट्स प्रोड्यूस, सो फर्स्ट मेथड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। सेकेंड मेथड कनकुत, मेजरमेंट इंपॉर्टेंट थी इसमें। इसमें क्या होता था, फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोडक्टिविटी सैंपल कटिंग फ्रॉम थ्री टाइप्स ऑफ लैंड, गुड लैंड, मिडलिंग लैंड, बैड लैंड, वर टेकन। तीन टाइप के लैंड से सैंपल प्रोडक्टिविटी लेते थे, सैंपल लेते थे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए, और एवरेज यील्ड ऑब्टेन कर लेते थे तीनों की, गुड, मिडल और बैड लैंड की। और उस एवरेज यील्ड का 1/3 स्टेट लेती थी एज एग्रीकल्चर टैक्स और रेवेन्यू। थर्ड क्या था, इट वॉज कॉल्ड जब्त, सिंस द असेसमेंट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन यील्ड, द शेयर ऑफ द स्टेट वॉज डिसाइडेड, कि जितना हुआ उसके हिसाब से स्टेट को कुछ हिस्सा मिलेगा। द प्रॉब्लम ऑफ कंपाइलिंग फ्रेश रेट्स एवरी ईयर फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज वॉज ओवरकम थ्रू द अडॉप्शन ऑफ आईने दहसाला, दहसाला सिस्टम और 10-year सिस्टम, 10-yearly सिस्टम। इसमें क्या होता था, एवरेज ऑफ द रेट्स ऑफ लास्ट 10 years वॉज टेकन एज कैश रेवेन्यू रेट फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, कि 2018 में अगर हमने डिसाइड करना है तो 2008 से 17 तक जो रहा है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कैलकुलेट द एवरेज एंड दैट विल बी फॉर 2018। लैंड वॉज फर्दर क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरीज विज पोलज लैंड, पराती लैंड, छछर लैंड एंड बंजर लैंड। कौन सा था, पोलज था, जिसमें 2 क्रॉप्स वर रेज्ड एवरी ईयर। पराती लैंड में लैंड हैड टू बी लेफ्ट फैलो या अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम टू रीस्टोर इट्स फर्टिलिटी। छछर लैंड, अनफर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन वंस इन एवरी 3 or 4 years। एंड बंजर लैंड विच वॉज अनफिट फॉर कल्टिवेशन, देयर फोर रेयरली ब्रॉट अंडर प्लाव। सो उसके बाद सल्तनत पीरियड, लैंडेड इंटरमीडियरीज कंटिन्यूड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेवेन्यू कलेक्शन। हमने देखा था खुद व स्मॉलर लैंडलॉर्ड्स, मुकदम द विलेज हेडमैन एंड अ ग्रुप ऑफ इंटरमीडियरीज सच एज राय, राणा, रावत्स एट्सेट्रा, दे इंजॉयड सुपीरियर राइट्स ओवर लैंड एज कंपेयर टू एन एवरेज पेजेंट। तो इनसे रेवेन्यू कलेक्शन में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। ड्यूरिंग मुगल पीरियड, रायज, राणाज, रावत्स एंड अदर सच इम्पॉर्टेंट इंटरमीडियरीज आर रेफर टू एज जमींदार। दे वर द पीपल हु हैड हेरिडिटरी राइट्स ओवर द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। द जमींदार्स क्लेम्ड अ डायरेक्ट शेयर इन द पेजेंट्स प्रोड्यूस, देयर शेयर वेरीड फ्रॉम 10% to 25% इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज क्लेम्स को एग्जिस्टेड इन अ सबॉर्डिनेट कैपेसिटी
विद द लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट. तो स्टेट भी लेता था, जमींदार भी लेते थे. क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वीवर्स क्या प्रोड्यूस करते थे? कॉटन, सिल्क, वूलन एंड कोर्स कॉटन फैब्रिक्स. द आर्ट ऑफ डाइंग और ब्लीचिंग डेवलप्ड एज अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. सॉल्ट, सॉल्ट पेट्रे, एलम, माइका वर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. पेपर मेकिंग एज अ क्राफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सल्टनेट पीरियड. टेक्सटाइल सेक्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग व्हील या चरखा ड्यूरिंग द 13th-14th सेंचुरीज वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. इट्स स्पीडेड अप यार्न प्रोडक्शन बाय 6 टाइम्स इन कंपेरिजन टू द स्पिंडल बेस्ड यार्न प्रोडक्शन. यूज ऑफ गन पाउडर, कैनन, फायर आर्म एक्सेट्रा वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिवल इनोवेशंस. मॉडर्न आर्टिलरी वॉज ब्रॉट टू इंडिया, एक तरफ बाबर जो पर्शिया से लेके आए थे एंड ऑन द अदर हैंड बाय पोर्चुगीज. बाबर की एक टेक्निक आई टोल्ड यू विच हेल्प्ड हिम विन ओवर इब्राहिम लोदी. प्लस गन पाउडर, द यूज ऑफ गन पाउडर वॉज वॉट हेल्प्ड बाबर विन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ग्लास मेकिंग टेक्नोलॉजी वॉज नोन टू इंडियंस ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड ऑल्सो, बट उसकी यूज रिस्ट्रिक्टेड थी टू मेकिंग बीड्स एंड बैंगल्स. बट इन मेडिवल पीरियड इट वॉज एक्सपैंडेड टू मैन्युफैक्चर अदर ग्लास प्रोडक्ट्स ऑल्सो. करेंसी, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वर मेनली इन सर्कुलेशन अंडर द सल्टनेट. द प्योर सिल्वर तंका विद फ्लक्चुएटिंग प्रोपोर्शन ऑफ सिल्वर वॉज द मेन कॉइनेज. द जित्तल एंड डांग वर कॉपर कॉइन्स. द वैल्यू ऑफ कॉइनेज फ्लक्चुएटेड विद द चेंज इन द प्राइसेज ऑफ मेटल्स. अंडर शेरशाह फॉर द फर्स्ट टाइम द प्योरिटी ऑफ मेटल्स इन कॉइनेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वॉज एस्टैब्लिश्ड. तो शेरशाह हैज अ बिग रोल to play in setting up a strong administration foundation which was later carried forward by Akbar. The rupiah of silver came to be used as the basic coin for transactions. So this was the story about the administration and its and the features of administration of Delhi Sultanate and Mughal Empire. So this brings to an end entire Delhi Sultanate Mughal Empire period. So what we have left to do is during the entire period of Delhi Sultanate and Mughals, we have a lot of regional kingdoms developing in India. So regional kingdoms ke upar we have to give importance, particularly in the Deccan and the South. One important kingdom which we have to cover is the Vijayanagar Empire. So North humne essentially dekh liya hai, South and Deccan humne abhi study karna hai. So that we'll do in the next video lecture. Thank you.